गज़ल ट्यूब.com के लिए आज मोहतरमा जिलानी बानो हिंदो पाक की मशहूर अफसाने नगार से बातचीत की जा रही है। गज़ल ट्यूब.com के नाज़रीन के लिए पेश खिदमत है। सबसे पहले मैं मोहतरमा जिलानी बानो से उनके घरेलू यानी ख़ानदानी बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूँगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं नाज़रीन को। अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरा नाम जिलानी बानो है जी। मैं बचपन से लिख रही हूँ और अभी भी लिखती रहती हूँ, इसके अलावा क्या बताऊँ। आपके वालिदैन के बारे में बताइए, आपके वालिदैन के बारे में बताइए। मेरे वालिद का नाम अल्लामा हज़रत बदायूनी था जी। वो शायर भी थे, आलिम थे जी, अरबी फारसी के जी। आप जानते ही हो जी 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 के बारे में जी। उनको हर चीज से दिलचस्पी थी, आलिम थे, फारसी आलिम थे जी। इसके साथ साथ उनको सारे फनून से दिलचस्पी थी, आर्ट से भी, अदब से भी, क्लासिकल मौसीकी से भी। उन्होंने हम सब बच्चों की तरबियत भी उसी तरह की कि हमें हर चीज़ उन्होंने सिखाई, हर मज़हब के बारे में, दूसरे मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है, अदब क्या है, शायरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ही हम सब बहन भाइयों को बताई। तो इसीलिए मुख्तलिफ़ में हमारे आप जानते होंगे कि मुईज़ हसन साहब तो अच्छे साइंटिस्ट थे, उनको हर चीज़ का ला मकान उन्होंने बनाया था जी। अहमद जलील डायरेक्टर थे दूरदर्शन के जी 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 जी। डॉक्टर अफजल मोहम्मद अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जी। हम सब बहन भाइयों को शौक था, मेरी बहन भी है बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी जी, मतलब पेंटिंग करती थी जी। हमारे घर का माहौल यही था, इसलिए हमें बचपन से ही इन्हीं चीज़ों का शौक था जी। आपने कब कहानियाँ लिखना कैसे शुरू किया, अफसाना लिखना? मैं बचपन से ही लिखने लगी थी, हम सब बहन भाई मिलके खेलते थे जी, तो उसमें हम ड्रामे भी करते थे, तो हम ड्रामे लिख देते थे। बच्चों के जो रिसाले आते थे, खिलौना, तारे, वो पढ़ते थे, तो फिर उसमें कहानियाँ भी लिखने लगी। तो ये सिलसिला कब शुरू, कब हुआ था? बचपन से शुरू हो गया, सन 12 साल सन 60-62 हाँ, सन 60 से शुरू। पहला अफसाना आपका किसी बड़े मैंने हाई स्कूल में थी सब उस वक्त मैंने पहला अफसाना लिखा था जी। तो वो मैंने हमारे अब्बा के पास जो रिसाले आते थे, तो पाकिस्तान का एक रिसाला आता था जी, अदबे लतीफ जी, उसको मैंने भेजा था जी। मिर्ज़ा अदीब उसके एडिटर थे जी, तो वो अफसाना उनको भी पसंद आया और दूसरे पढ़ने वालों ने भी पसंद किया, तो फिर उसके बाद हमने और लिखना शुरू कर दिया और लिखने लगे। अच्छा, अब तक कितने मजमूए आपके मंजर यहाँ पर आ चुके हैं? मजमूए तो मेरी साहब सब जुमला किताबें हैं, 22 किताबें अब तक जो है मेरी जी हो चुकी हैं। उसमें अफसानों के मजमूए भी हैं और नावल भी हैं, नावलेट भी हैं जी जी। और फिर अभी मैंने दो बरस पहले, साल भर पहले एक मेरी किताब आई है दूर की आवाज़ जी। वो किताब उसमें जो मैंने मुझे शुरू से जिन अदीबों ने ख़त लिखे थे, बहुत अहम लोगों के ख़त जी, वो मैंने उसमें जी माशाल्लाह, फैज़ अहमद फैज और सरदार रही जी, मखदूम साहब और सारे अहम अदीबों के उसमें जी ख़त हैं, खुद होते हुए हैदर इसमत खाली जो सारे ख़त जो मैंने उसमें। अब आपका दौर जो है बहुत ही तवील दौर गुजरा है आपका माशाल्लाह से, जिसमें जो है इसमत चुगतई, खुर्रतुल्लैन हैदर, अहमद नदीम कासमी वगैरह आपके हम असर बने।
तो इस्मत आपा खुरतुल ऐन हैदर और अहमद नसीम कासमी के पन में आप क्या ये देखती हैं, तीनों के फन में क्या फर्क महसूस करती हैं और उनके फन को आप किस तरह परखती हैं? वास्ते सवाल आप जो सवाल कर रहे हैं जी, फर्क महसूस करती हैं क्या? जाहिर तीनों का अलग अलग तरह है, अलग अलग तरह का, और फर्क की क्या बात है? इसमें तापा जो है कदम मौजूद रहते थे वो अलग थे, बिल्कुल अलग फर्क था। नदीम भाई का जो उन्होंने लिखा आप तक जो किया वो उनके मौजू अलग थे, उनका पस मंजर अलग था, उनका जमाना अलग था। इसी तरह अहमी आपा ने जो कुछ लिखा वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उनके लिखने का स्टाइल था। तो इसको आप ये नहीं कह सकते फर्क क्या, बहुत ज़्यादा फर्क, उस पर तो आप घंटों बात कर सकते हैं। मैं उनका फर्क क्या बताऊँ आपको? इसी तरह अहमी आपा ने जो कुछ मौजू अलग अलग जमाना अलग अलग आजकल के लिखने वालों में आप किससे मुतासिर हैं, यानी आजकल जो लिख रहे हैं लोग, जो अफसाने लिख रहे हैं उनमें कोई ऐसा नाम है जो आपको मुतासिर कर सका है? नहीं, कोई एक ऐसा नाम नहीं, सब लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, किसी की कभी मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई इसलिए मैं कोई मिसाल आपको नहीं दे सकती जी। और ना ये कह सकती हूँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि उर्दू में लिखने वाले लिख रहे हैं और नए लिखने वाले भी आ रहे हैं जी। और हमें उम्मीद है कि उर्दू अदब को बाकी रखने के लिए अच्छे लिखने वाले आते रहेंगे। आप किसी तहरीक से वाबस्ता नहीं हुई, जैसे तरक्की पसंद तहरीक या कोई जदीद तहरीक, ऐसी किसी तहरीक से आप वाबस्ता नहीं हुई, अपने अंदाज ही में लिखती रहीं, इसकी कोई खास वजह है? तहरीक जैसे तरक्की पसंद मुसन्निफीन थे उससे आप वाबस्ता नहीं रहीं? नहीं नहीं, आप किसी भी तहरीक से वाबस्ता नहीं रहीं या रहीं? तहरीक तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, अब तरक्की तो का वक्त था जी, लिखने वाले थे जी, उन्होंने अपने अंदाज पे उसको अपनी जरूरत के मुताबिक अपने माहौल के मुताबिक लिखा जी। उसके बाद जो है और अलग अलग जी, दिल्ली साहब ने पंजाब के बारे में लिखा, जिसमें मैंने बॉम्बे के बारे में लिखा जी, तो इसमें दावा ने यूपी के मतलब ये तहरीक का मतलब ये नहीं है कि सब जो है एक ही तरह का लिखे। अब हमने बचपन से हैदराबाद देखा जी, हमने हैदराबाद के बारे में लिखा, हैदराबाद के आवाम के मसाइल, हैदराबाद के सियासी मसाइल, हैदराबाद के तहजीबी मसाइल जो भी थे हमें वही नज़र आ रहे थे, तो हमने उसी के बारे में तहरीक नहीं की। जो अजीब जहाँ होता है उसके बारे में ही वो उसको ज़्यादा मुशाहिदा होता है, इसकी ज़्यादा होती है और लगन भी होती है उसकी, अजीब भी चाहता है कि मसाइल के लिए। तो ये कोई तहरीक कभी नहीं हुई है कि उस अजीब ने उस तहरीक के मुताबिक लिखा। जो जैसे मंटो साहब पंजाब के बारे में लिखते हुए जी, तो ये तो अपने अपने पाकिस्तान के अजीब हैं, वो पाकिस्तान के बारे में लिखते, तहरीक नहीं होती है, अपना अपना पस मंजर है अपने अपने। और फिर ये कि हमें क्या चीज़ नज़र आ रही वो अलग है, उसके कोई तहरीक के लिए नहीं लिखते, क्योंकि आजकल ये तहरीक है इसलिए मैं ये कहानी हैदराबाद के लिखने वालों में कोई ऐसा है जो जिसको आप पसंद करती हों या जिसका आप पसंद करती हूँ? जी जी जी, किसी भी अदब में किसी तहरीक को नहीं मानती, हर अजीब का अपनी सोच में अंदाज, अपना तजर्बा, अपना दिलचस्पी होती है कि उसको क्या चीज ठीक लगेगी और क्या होना चाहिए, वो अपने आप से लिखता है और लिख रहे हैं, हमेशा लिखते रहे, अभी भी लिख रहे, हमारे बाद भी लिखते रहेंगे, हम उसको कोई तहरीक नहीं समझते। आपकी आपकी कोई ताज़ा किताब आने वाली है? हाँ, ये नेशनल बुक ट्रस्ट वाले जो हैं जी, इन्होंने अलग अलग फील्ड की और अलग अलग जबान की लिखने वाली औरतों से उनके बचपन के बारे में किताब लिखाई है। अच्छा। अरुण जती राय से, मुझसे, महाश्वेता देवी से जी,
और ये अरुंधति राय से रिक्वाई महाश्वेता देवी के मुख से और ये तेलुगु की लिखने वाली से इन लोगों से बचपन के बारे में और जैसे लता मंगेशकर से रिकॉर्ड रही हूँ जी 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 तो मैंने भी वो लिख के दी थी वो किताब तो हमारा बचपन क्या था इसके अच्छा बचपन क्या कब आ रही है किताब ये शायद होगी अभी मैंने फोन किया था राम सरपाल साहब को जी अगले महीने तक जी गज़ल ट्यूब डॉट कॉम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया हमें और जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपको इन चीज़ों से जी और आप इन चीज़ों को जबर कर रहे हैं ये भी अच्छी बात है कि आप इन सब चीज़ों को महसूस करके रख रहे हैं।